हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड. मॉमीज, आज के एपिसोड में हम आपको कुछ मिथ्स हैं या कुछ कंफ्यूजन कह लीजिए, वो आपकी दूर करने वाले हैं. अक्सर आपने देखा होगा जब हमारी ड्यू डेट नज़दीक होती है, यानी 10 से 12 दिन या 5 दिन रहते हैं, तो हमारे घर के बड़े कहते हैं, बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि भाई दूध में घी डाल के पियो, बच्चा अच्छे से होगा, यानी बच्चा आपको लेबर पेन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और बच्चा तुरंत आपके पास आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी. वो ऐसा क्यों कहते हैं, आगे आपको ये सब मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में. मॉमीज, हमारे घर के बुज़ुर्ग ये जो पॉइंट है, यानी ये जो दूध में घी डालने वाला लॉजिक हो, इसलिए कहते हैं, उनका मानना है कि आपके वजाइनल एरिया यानी आपके यूट्रस सर्विक्स के वहाँ पर थोड़ा ल्यूब्रिकेंट यानी थोड़ा सा ऑयली चिकनाहट हो जाएगी और बच्चा फिसल के एकदम बाहर आ जाएगा. बट ऐसा नहीं है, कोई ल्यूब्रिकेंट का काम नहीं करता दूध और घी. आप उसको ऐसा ये ले सकते हैं कि आपको ड्यूरिंग लेबर पेन स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगी घी अगर आपने लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पिया और बच्चा एकदम फिसल के आ गया, ऐसा नहीं होता. हाँ, बशर्ते ये हो सकता है कि आपको, अगर आपको लेबर पेन हो रहा हो और आपने वो पी लिया, तो एसिडिटी आपको ज़रूर हो सकती है, इसीलिए आप ऐसी कोई चीज़ ना करें. देखिए, दूध और घी कहीं से बुरा नहीं है. अगर आपको सूट करता हो तो आप पिए, अगर आपको सूट नहीं करता तो प्लीज़ मॉमीज मत पिए, क्योंकि एसिडिटी होने के चांसेस है, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दूध तो आपको पता है एसिडिटी बनाता ही है. तो इसीलिए ड्यूरिंग जब लेबर पेन हो रहा है तो बिल्कुल इसका सेवन ना करें अगर आपको सूट नहीं करता तो. और अगर आपके घर के बुज़ुर्ग कहते हैं तो आप उनको अच्छे से आप बता दीजिए, समझा दीजिए कि देखिए मुझे ये सूट नहीं करता, मैं ये ऐसे नहीं कर सकती, और आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि अगर मैं ये पी लूँ कोई नुकसान तो नहीं है. वैसे आपका ये जो मिथ है कि भाई दूध और घी पीने से बच्चा अच्छे से होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता. वो तो डिपेंड करता है कि आपके सर्विक्स कितना डायलेट कर रहा है, यानी आपका जो बच्चेदानी की मुंह कितना खुल रहा है, 10 सेंटीमीटर उसको अप्रॉक्सीमेटली खुलना चाहिए, क्योंकि तभी बच्चा बाहर आ सकेगा, उससे पहले बच्चा बाहर नहीं आ सकता. तो मॉमीज़, ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है आपके सर्विक्स पे, आप कितना लेबर पेन कितना ले रही हैं, यानी आपको कितना दर्द हो रहा है, प्लस आपके बेबी का वेट कितना है, प्लस आपका वेट कितना है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका बेबी कैसे बाहर आ रहा है. तो मॉमीज़, आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, और साथ में अगर आपको कहा जा रहा है दूध और घी पीने के लिए, तो मॉमीज अगर आपको सूट करता है ज़रूर पीजिए. अगर आपको ये लगता है कि मुझे इससे एसिडिटी नहीं होगी या मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप ज़रूर पीजिए, लेकिन ये मिथ आप बिल्कुल अपने तोड़ दीजिए कि भाई इससे बच्चा फिसल के एकदम बाहर आ जाता है. तो घी आपको स्ट्रेंथ ज़रूर देगा, बट और आपके कहते हैं घी खाने से बच्चे का दिमाग भी अच्छा होता है, ये भी 1% सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि घी और दूध पीने से बच्चा एकदम फिसल के बाहर आ जाता है. तो ये मिथ तो आपका बिल्कुल हमने तोड़ दिया है और कन्फ्यूजन भी दूर कर दी है. तो मॉमीज, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि दूध घी वाला क्या कन्फ्यूजन था, उसको हमने आपका रिजॉल्व किया. तो मॉमीज, ऐसे ही कई नए वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे. सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को, NBT लाइव को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके.